नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं टीटीएन न्यूज 24। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश अनुपम राजन द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत द्वितीय चरण के मतदान के संबंध में की प्रेस वार्ता। सेकेंड फेज का चुनाव है जिसके लिए मतदान होना है। 6 संसदीय क्षेत्रों में यह मतदान है। टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद कुल 47 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें मतदान की कार्रवाई होगी। कुल 80 कैंडिडेट्स हैं, 80 कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं इसमें, जिसमें 75 मेल हैं, 4 फीमेल हैं और एक थर्ड जेंडर दुर्गा मौसी जो दमोह से निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। सबसे ज्यादा इसमें अभ्यर्थी हमारे पास सतना से हैं 19 और सबसे कम टीकमगढ़ से 7। मतदान का समय वही है जो फेज 1 में था, सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक। इसमें कोई पिछली बार जरूर बालाघाट के कुछ हिस्सों में 4 बजे तक मतदान था एलडब्ल्यूई होने के कारण। द्वितीय चरण में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, मतदान सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक है। आज सभी पोलिंग पार्टीज रवाना हो गई हैं। 12,828 मतदान केंद्र हैं इस सेकेंड फेज में। इन 12,828 में 6 सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं। कुल मतदाताओं की संख्या अगर इस फेज में देखें जो उनके नाम वोटर लिस्ट में हैं, वो है 1,11,62,460। 1,11,62,460। इसमें यदि हम श्रेणीवार देखते हैं तो दिव्यांग मतदाता 1,18,167। 85 प्लस के जो मतदाता हैं वो 64,703। 100 वर्ष से अधिक के जो मतदाता हैं वो हैं 1,108। जो हमारे सेवा मतदाता हैं, जो सर्विस वोटर्स हैं, जो सेना में हैं और ईटीपीवीएस के थ्रू जो मतदान करते हैं, उनकी संख्या है 13,230। 18 से 19 वर्ष के जो मतदाता हैं, 18-19 के एज ब्रैकेट में जो मतदाता हैं, उनकी संख्या है 3,29,317। 3,29,317। यदि हम संसदीय क्षेत्रवार मतदाताओं की संख्या देखते हैं, राउंड फिगर बता रहा हूं, टीकमगढ़ में 18,26,000, दमोह में 19,25,000, खजुराहो में 19,97,000, सतना में 17,05,000, रीवा में 18,52,000,